आज नई कमेटी बनाई है, बनाए संगठन उसका महासम्मेलन है और अलग अलग प्रांतों से समाज के लोग आए हैं। सबका योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में है, क्योंकि ये जो समाज है ये छोटे छोटे व्यापार बड़े में भी है, पर जो जो आम आदमी की आवश्यकताएं हैं, जो आम नागरिक की आवश्यकताएं वो यही पूर्ण करते हैं। और इनको एक सामाजिक संगठन के रूप में गठित होना पड़ा, इनकी मांगे भी बहुत अच्छी हैं। अगर इनका कहना है कि अगर ये वैश्य समाज के 70% है तो उसी का अनुरोध इन्हें हर स्थान पे हर विधा में इनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आज यूँ तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पर वकील और अन्य शैक्षिक क्षेत्र से भी लोग एकत्रित हुए हैं, स्वतंत्र आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, तो स्वाभाविक है हमारी जो सरकार है, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इस प्रयास में कि हर श्रेणी के या हर जाति के जो जाति जो थोड़ा पीछे रह गई है उनको आगे लाने के लिए कोई रास्ता बनाना चाहे। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आर्थिक नीति अपनाई है उसका कुछ आंशिक लोगों को नाराज़गी हुई, लेकिन अब सब समझते हैं कि अब हमारी गाड़ी रेल पर आ गई है और बहुत शीघ्र जो हमारा छोटा व्यापारी से लेकर बड़ा है वो संतुष्ट होगा। ODOP कर ही रहे हैं हम, एक जिला एक उत्पाद, तो छोटे व्यापार से लेकर बड़े तक हर एक को बढ़ाने का हमारा संकल्प है। इन्होंने एक मांग पत्र मुझे दिया है जिसमें इन्होंने आरक्षण से लेकर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने से लेकर विभिन्न विधाओं में अपने लिए एक स्थान मांगा है, राजनीति में टिकट मांगे हैं, राजनीतिक अपनी पैर चाहते हैं। तो राजनीति में तो इनका हमेशा से प्रभाव है, इनके सहयोग के बिना कोई चुनाव जीत नहीं सकता, पर इन्हें भी आगे आना चाहिए। ये बिल्कुल इनकी सही मांग है और निश्चित रूप से इनकी मांगों को